डीलर्स की तरफ से, अब बीटीएससी ट्रेडर्स हमारे पैनल की तरफ से आपके लिए। गाबा सर क्या करी करेंगे? एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। एसबीआई लाइफ ठीक नजर आता है मुझे, 1469 पर ट्रेड कर रहा है एसबीआई लाइफ। स्टॉप होगा करीब 1450 का, 19 रुपीज, टारगेट 1500 के नजर आते हैं, तो 1:2 बनता है यहाँ पर एसबीआई लाइफ। 1:2 का रेशियो बन रहा है, प्रॉफिट आएगा तो तेजी का ट्रेड आप कैरी करके चलेंगे। सोनिया आपका ट्रेड? अशोक जी यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ फ्यूचर्स करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 11:11 चल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर्स में 1095 का, और टारगेट रहेगा 1130-1140। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जाइडस लाइफ में 1100 के ऊपर, 2 दिन पहले भी आया था बट क्लोजिंग उसके नीचे आई थी, आज दोबारा उसको क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। सो काफी पॉजिटिव ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है टुवर्ड्स 1130-1140 टारगेट। ओके, जाइडस लाइफ आपका ट्रेड हो गया। राजेश जी आपके कैरी करेंगे? फार्मा, मुझे लगता है फार्मा में जो स्ट्रेंथ बनी है वो है सिप्ला में। एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन, और आज इस ऐसे मार्केट में ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो सिप्ला लेके जाएंगे, 1545 का स्टॉप लॉस होगा विरेंजी, और 1600-1620 के टारगेट होंगे सिप्ला। ओके, मानस आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी ट्रेंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेंड में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, पैटर्न पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस है 5149 के फ्यूचर में आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और 5450 ₹200 ऊपर इस फ्यूचर के टारगेट हो सकते हैं। तो ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी, ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी का कॉल 4% ऊपर एक काउंटर ट्रेड करता हुआ। अच्छा कविता जी हमारे साथ हैं। कविता जी बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा बीटीएसटी में? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एलआईसी हाउसिंग पर हम बीटीएसटी लेकर जा सकते हैं। 731 पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट है काउंटर पर, 760-790 के प्राइस टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लेकर जाएं, 724 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके,